अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो यूनिवर्सिटी जा रही हूँ मैं और ठंड देख ले कितनी ज़्यादा, स्नो फॉलिंग भी बहुत ज़्यादा। सॉल वाली साइड पे ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है, और जिस दिन मैं ये व्लॉग बना रही थी उस दिन था -15 टेम्परेचर। गॉड, बहुत ज़्यादा ठंड। और ट्रेन का सफ़र जो है ना वो काफ़ी लंबा था, तो सोचा साथ में टिकटॉक्स भी बनाती रहे। ऐसे बस जो है सफ़र हमारा गुजर गया और यूनिवर्सिटी आ गए हम। ऑल्सो यूनिवर्सिटी चुनान, यहाँ पे भी देख लें क्या हाल है, बर्फ़ आ रही हो। माई गॉड, इतनी ठंड। फोर्थ फ्लोर पे क्लास ही, तो देख सकते हैं आप हर तरफ बर्फ ही बर्फ। चलें जी, पहुंच गए हम लोग। ये देखें साइड से हर तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है, और स्नो फॉलिंग स्टिल अभी भी हो रही है जी। ये देख लें कितनी ठंड है, कितना प्यारा व्यू है ना ये। तो ये है हमारा स्टडी एरिया, ठीक है। यहाँ पे बैठ के स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। हर पोर्शन में है, हर फ्लोर पे अलग से ये स्टडी एरिया बना, और बहुत ही प्यारा और पीसफुल जगह, बिल्कुल सुकून से स्टूडेंट्स बैठ के स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें बुक्स भी पड़ी हुई हैं। और तो और अगर आपको ठंड लगे, कंफर्टर भी पड़ा हुआ यहाँ पे। चले जी, ये देखिए लैपटॉप के लिए और मोबाइल के लिए चार्जर केबल सारा कुछ। और व्यू भी देख लें कितना मज़े का यहाँ पे। एंजॉय करें ठंड को, बर्फ को, आप लोग देख देख के। ये बुक्स पड़ी हुई हैं पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे एक बुक है, बुकलेट यूनिवर्सिटी की। इसमें जितनी भी यूनिवर्सिटी की अचीवमेंट्स आज तक जो भी एक्टिविटीज़ हैं सारी वो इसमें मेंशन है। देती हूँ आपको मैं इसकी क्लिप। ये देखिए हमारी यूनिवर्सिटी का व्यू कितना प्यारा है। ये देखिए ज़रा, हाय हाय हाय, क्या बात है जी। इसी को देख के एंजॉय करें आप लोग। ग्लास बिल्डिंग है जहाँ पे मैं हूँ अभी, फोर्थ फ्लोर पे। यूनिवर्सिटी डी देख लेंगे, क्लोजअप देख लें इनका, गौर से देखें। ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा व्यू है। ये स्टेयर्स पे भी बर्फ और कितना अच्छा लग रहा है।
बैठा है यहाँ पे, और यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर ही स्टारबक्स है, कॉफ़ी पीनी हो तो। लेकिन उस दिन मुझे जल्दी थी वापस, जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो ट्रेन लेते हैं जाके, पहले बस और देन फिर ट्रेन। वो सामने बस नजर आ रही है, देखें आई है नजर, जहाँ पे खड़ी होती हैं बसें सारी। हाय हाय, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, या खुदाया आ गई बस। चलो जी बस में बैठ गए, यूनिवर्सिटी बस में बैठ गए, और चुनान स्टेशन तक जाना है मैंने, वहाँ से ट्रेन लेनी है और फिर वापस अपने सिटी थेगू में जाना है। ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन, थोड़ा सा ही बस 15 मिनट्स लगे थे मुझे स्टेशन तक जाते हुए यूनिवर्सिटी बस में। और जब मैं स्टेशन वहाँ पे पहुँची हूँ ना, टिकट लिया ट्रेन का, तो इतनी वहाँ पे भी स्नो फॉलिंग थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं, वहाँ पे तो बहुत बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही थी। ये देखो जरा नज़ारे बर्फ के, स्टेशन पे भी ट्रेन आने में टाइम था तो वहाँ पे वो कैबन बने होते हैं बैठने के लिए, जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं ना तो बाहर लोग नहीं खड़े होते सारे, वो ग्लास का कैबन बना हुआ था उसके अंदर ही सारे लोग बैठे हुए थे। तो जब ट्रेन आ गई है बाहर निकली हूँ तो माय गॉड इतनी ठंड लगी है ना। मैं ये देखिए ज़रा कैसे ट्रैक सारे, चलो जी ट्रेन बैठ के वापसी। ये हमारा थेगू सिटी आ गया जी, ये देख ले यहाँ पे तो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, यहाँ पे एक ही दिन बर्फ़ पड़ी है, वो भी कहते थे 4 साल के बाद पड़ी है, मतलब सोल वाली साइड पे ज़्यादा बर्फ़ होती है, यहाँ पे नहीं। देखिए कितना प्यारा सिटी है हमारा। हाँ जी अब है सबवे पे बैठना, ट्रेन से उतरी तो सबवे पे बैठी, यहाँ से फिर जाना है अपने घर। मनफोंग स्टेशन है हमारे करीब, वहाँ तक जाना है मुझे। ये देखिए कितने प्यारे यहाँ पे भी सीन्स हैं, है ना। ओके फिर एंजॉय करें। जिस दिन यूनिवर्सिटी जाना होता है तकरीबन सारा दिन ही लग जाता है, क्योंकि दूर है ना मेरी यूनिवर्सिटी, तो वो भी अर्ली निकलना पड़ता है, फिर रात को भी आते हुए देर हो जाती है। इस दिन जरा ये दिन डे टाइम पे था या लेक्चर प्रोफेसर ने बुलाया था इसलिए जल्दी फ्री होगी, तो वरना मैं मोस्टली रात तकरीबन 11-12 बजे पहुंचती रही हूँ घर पे। कोरिया में फीमेल्स के लिए बड़ी सेफ्टी है, यहाँ पे आप जब मर्जी आओ कोई मसला ही नहीं, जितने भी कंट्रीज हैं सबसे सेफ कंट्री है कोरिया इस लिहाज से। ये देखें सामने
मनफ्यूंग स्टेशन दिख रहा है जहाँ भी हमने जाना है। सनसेट का व्यू कितना प्यारा है ना। ओके जी, तो मनफ्यूंग स्टेशन पे हम पहुँच चुके हैं। सबवे से उतर के ये देखे कितने अच्छे क्लिप्स हैं रोड के, एंजॉय करें इनको। और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत एंजॉय किया आपने। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, ठंड से बचिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।